हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति। मैंने टीवी सीरीज़ देखी, अनबिलीवेबल। बहुत ही डिफरेंट टाइप की टीवी सीरीज़ है। थोड़ी सी इमोशनल भी है, थ्रिलिंग भी है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ों को उठाती है जिसको जनरली लोग उस तरीके से नहीं देखते हैं। ये एक सीरीज़ है जो कि रेप्स पे बनी है, और इसको जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। इसमें एक बच्ची होती है, टीनेजर होती है, जो ये कहती है कि उसका रेप हुआ है। वो जाके FIR लिखवाती है, और फिर जब उससे वो लोग पूछते हैं, वो एक्चुअली बच्ची जो है वो ऑर्फन होती है, और ऑर्फन होने की वजह से वो अलग अलग फॉस्टर होम्स में रह रही होती है, और रिसेंटली अभी एक कम्युनिटी में आके रहना स्टार्ट करती है और अपना काम कर रही होती है। लेकिन वो जो बच्ची है वो थोड़ी सी हल्की सी डिस्टर्ब है, जैसे टीनेज में बच्चे होते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, उस तरीके की है वो। और जब उसका बहुत ज़्यादा एनालिसिस वो लोग करते हैं, जहाँ वो FIR लिखाती है, उससे बहुत ज़्यादा पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, तब उन लोग को ऐसा शक होने लगता है कि शायद ये बच्ची जो है मैनिपुलेट कर रही है। इवन जो वहाँ पर उसकी फॉस्टर केयर में पहले एक रही थी, जो मदर टाइप के होते हैं, जो गार्डियन होते हैं, वो आके इसके बारे में बोलते हैं कि शायद ये झूठ बोल रही है, अटेंशन सीक करने के लिए ऐसा बोल रही है। और जिनके पास ये रिपोर्ट वो कराने गई होती है, वो लोग भी ऐसा ही मानने लगते हैं कि ये बच्ची झूठ बोल रही है, और इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कि उस बच्ची को भी लगने लगता है कि शायद वो झूठ बोल रही है। बट उसको वो जो उसके साथ हुआ था, जो रेप का इंसिडेंट बताती है कि इस तरीके से हुआ था, उसको वो बहुत ज़्यादा हर रात ड्रीम करती है, फील करती है, बहुत डरी रहती है। लेकिन धीरे धीरे जो है वो उन चीज़ों से निकलती है, और पैरेलली दूसरी जगह दिखाते हैं कि अलग अलग तरीके की लड़कियों का, अलग अलग लड़कियों का ही नहीं, अलग अलग विमेन का जो है एक सीरियल रेप वाला जो है इंसान होता है, जो सीरियल रेप कर रहा होता है। और जैसे सीरियल मर्डरर्स का आपने देखा होगा, यहाँ पर सीरियल रेपिस्ट दिखाया गया है, जो अलग अलग उम्र की विमेन का जो है रेप कर रहा होता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और वो उन्हीं के घर में आके ऐसा करता है। तो जो इसमें सीरियल में जो चीज़ें लड़कियों के माध्यम से, विमेन के माध्यम से जो फील कराई गई हैं, वो जनरली हर जगह आपको देखने को नहीं मिलती हैं, बहुत इमोशनल लगती हैं। और ये हर तरीके के व्यूअर्स के लिए नहीं है, किस तरीके से ग्रेसफुली बिना बहुत ज़्यादा हू हल्ला मचाकर या बहुत ज़्यादा अजीब माहौल क्रिएट किए बिना इन सारी चीज़ों को दिखाया जा सकता है, किस तरीके से बहुत ही सटल वे में जो वो विमेन फील कर रही हैं अंदर से, किस तरीके से उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, और उस चीज़ को दिखाया गया। इसमें एक विमेन होती है जिसके ऊपर बस अटैक होता है, और वो इस चीज़ को समझ जाती है कि कुछ ऐसा होने वाला है, और वो ऊपर से कूद जाती है, तो उसका ट्रॉमा दिखाया गया है। जो सारी विमेन और बच्चियाँ या फिर जो ओल्ड एज की विमेन भी हैं, उनका भी यहाँ पे एक ट्रॉमा दिखाया गया है, जो कि देखने में ऐसा लगता है कि कितने दर्द से गुजर रही हैं। और जबकि भी इस तरीके के इंसिडेंट पेपर न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलते हैं, तो हम बस ये चीज़ देखते हैं, अच्छा ठीक है ये हुआ, ये FIR करेंगे, सज़ा मिल जाएगी। लेकिन कभी बैक स्टोरी उस विमेन के साथ क्या होता है, उसकी लाइफ में कितने चेंजेस आ जाते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से इसमें दिखाया गया है। तो अगर मेन तो वो देखेंगे तो अच्छी लगेगी, लेकिन विमेन देखेंगी तो उससे ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगी, क्योंकि और फाइनली इसमें ये भी दिखाया गया है कि वो जैसे उस तरीके के केस को नेगलेक्ट कर देते हैं, जो बच्ची अपना केस दर्ज कराती है, और जब ये सीरियल रेपिस्ट अलग अलग जगह रेप कर रहा होता है, क्योंकि बहुत सारे जो पुलिस स्टेशन होते हैं अलग अलग जगहों के, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे जब पुलिस इंस्पेक्टर्स होती हैं, वो अलग अलग जगहों की होती हैं, बेसिकली लेडीज़ ही इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जो लेडी इंस्पेक्टर्स होती हैं वो इस केस में इन्वॉल्व हो जाती हैं, और वो अलग अलग जगहों की होती हैं, और वो किसी तरीके से आपस में कम्युनिकेट करती हैं, बाय चांस होता है, और तब उनको पता, पहले तो उनको लगता है कि इस किसी पर्टिकुलर एरिया का ही ये रेपिस्ट है, पर्टिकुलर ये सीरियल रेपिस्ट के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं पुलिस स्टेशंस होते हैं अलग अलग जगहों के, तब पता चलता है कि ये एक सीरियल रेपिस्ट है जो अलग अलग जगहों पर ऐसा कर रहा है। और फिर उसको वो जो विमेंस होती हैं, पुलिस विमेंस होती हैं, वो विमेन होती हैं वो पकड़ती हैं, और कि बहुत अच्छे से प्लान बनाकर, और ये दो ब्रदर्स होते हैं जो निकलते हैं, और इसमें जो वो बच्ची है
एंड तक उसका ये कंफ्यूजन बना रहता है, लोग उसको कम्युनिटी से निकाल देते हैं कि उसने इस तरीके का झूठ बोला है। वो खुद इतना सेल्फ डाउट में रहती है, बहुत परेशान रहती है, एक बार तो उसमें सुसाइड करने भी जा रही होती है। और जब ये केस सॉल्व होता है तब एक जो उसकी फॉस्टर होम में जो गार्डियन थी उसकी फ्रेंड होती है, वो कहती है कि इसी तरीके का केस तो इस बच्ची ने जिसको हम सब लोग झूठा समझ रहे थे उसने हमें बताया था, तो वो उसको जाके बताती हैं। फिर वो बच्ची क्लेम करती है, उसका डिफेमेशन केस चलता है, उसको पैसा मिलता है। और वो जो उसका एंड का बच्ची का दिखाया कि इस तरीके से वो ट्रॉमा में थी, फिर उसको वो अपने पर इतना डाउट करने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे एंड में सब कुछ पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे क्योंकि इस तरीके के इंसिडेंट हो गए हैं, लेकिन वो जो बच्ची का एंगल है वो पॉजिटिव दिखाया गया है। उसको अब सेल्फ डाउट नहीं है और उसको अपना पैसा भी मिलता है जिससे वो नई ज़िंदगी स्टार्ट करती है, और जो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मार्मिक तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो इट्स अ वर्थ वॉचिंग सीरीज़, इट्स अ डिफरेंट सीरीज़ एक्चुअली, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और ये बस एक सीज़न में अवेलेबल है और बहुत अच्छी सीरीज़ है। दैट्स इट, बाय बाय।